वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पेल्टन टरबाइन के बारे में पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में फ्रांसिस टरबाइन को कवर करेंगे। ओके, देखिए फ्रांसिस टरबाइन जो है वो जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है, उनका नाम का सरनेम फ्रांसिस था, उस आधार पे ये एक इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। ओके, इनवर्ड रेडियल फ्लो मीन्स इसका डायरेक्शन रेडियली होता है और इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। प्लस यह एक रिएक्शन टरबाइन है, इट मीन्स इसके इनपुट पे जब पानी टरबाइन से टकराने वाला होता है, नोजल के थ्रू स्ट्राइक करता है जब बकेट के ऊपर, उस समय इसमें प्रेशर एनर्जी 50% प्लस काइनेटिक एनर्जी भी 50% अवेलेबल होती है, दोनों एनर्जीज अवेलेबल होती है, इसीलिए यह रिएक्शन टरबाइन है। ओके, देखिए रेडियल फ्लो टरबाइन ऐसे टरबाइन को हम कहते हैं जिनमें पानी रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, रेडियली फ्लो होता है। उसके अलावा वाटर रेडियली आउटवर्ड से इनवर्ड या इनवर्ड से आउटवर्ड फ्लो हो सकता है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ हो सकता है। तब डायरेक्शन के कारण ही हम टरबाइन को इनवर्ड या आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। और इस टरबाइन में पानी कैसा फ्लो हो रहा है, इनवर्ड फ्लो हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस टरबाइन में रनर और केसिंग को वाटर से पूरी तरीके से भर देते हैं। देखिए इसका मेन पार्ट्स क्या क्या है देखते हैं। तो ये इसका एक इनलेट रनर का एक डायग्राम है जिसमें ये देखिए ये पेनस्टॉक से पानी आ रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है पानी। और ये आपका रनर हो गया, ये पोर्शन पूरा रनर हो गया। और रनर के पहले पार्ट पे यहाँ पर ये देखिए ये जो एरो बना हुआ ये है गाइड व्हील्स। ये क्या करती हैं, वाटर जब पेनस्टॉक से आता है तो इसको गाइड करती हैं रनर से टकराने के लिए। ये है रनर, ठीक है, इस रनर से टकराने के लिए गाइड करती है पानी को इस तरह से कि पानी इसमें इंपैक्ट जो करे वो ग्रेजुअली करे, मतलब डायरेक्ट आके ना टकराए, ग्रेजुअली इस तरह से गाइड करके पानी को टकराते हैं कि स्ट्राइकिंग एंगल कम होता है जिससे इंपैक्ट फोर्स भी कम होता है, पानी में हाइड्रोलिक लॉस जो होती है वो कम होती है। और इसके अलावा ये देखिए इसका शेप को देखिए, ये देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा है, ठीक है, ये एरिया ज़्यादा है, और इस एरिया को देखिए ये धीरे धीरे यहाँ पर कम हो गया। तो ये जैसे जैसे राउंड हो रहा है, ये देखिए ये जैसे जैसे राउंड हो रहा है, ये ऐसा ऐसा इसकी एरिया क्या हो रही है, कम हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, डिक्रीज मतलब कम होना, ग्रेजुअली ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका केसिंग कैसा है, इसका केसिंग है स्पायरल, स्पायरल मतलब घुमावदार केसिंग है, ठीक है, ये इसकी केसिंग हो गई, ठीक है, समझ गए। अब ये इसका एरिया कम क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले हम केसिंग को पढ़ते हैं, केसिंग क्या होता है। ये देखिए ये जो केसिंग का पोर्शन है आपको तो पता ही है, केसिंग आवरण होता है, हाँ, और यहाँ पर केसिंग का क्या काम है, तो वही काम है जो पेल्टन मिल टरबाइन में होता है केसिंग का काम। देखिए पेनस्टॉक से वाटर जो है वो केसिंग में आता है पहले, फिर केसिंग क्या है, स्पायरल शेप में होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ठीक है, धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है। केसिंग जो होता है वो रनर को कम्प्लीटली कवर करता है। इसके अलावा केसिंग की इस बनावट के कारण रनर के अंदर वाटर कॉन्स्टेंट विलोसिटी से ट्रेवल करता है। हाँ ये देखिए ये पानी आया पेनस्टॉक से, ठीक है, तो एरिया धीरे धीरे रिड्यूस करने से क्या होता है, पानी की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, जहां पर भी एरिया रिड्यूस होता है वहां वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये पानी का जो फ्लो है वेलोसिटी धीरे धीरे, जो वेलोसिटी कम हो चलने के साथ धीरे धीरे वेलोसिटी को कम होना था वो वेलोसिटी कम नहीं होके वो वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो हम इसका डिजाइन कुछ इस तरह से ही करते हैं कि जो पानी का फ्लो है वो इस तरह से हो कि वेलोसिटी जो हो इसकी वो कांस्टेंट रहे, एक जैसी रहे, जैसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है पानी तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलते रहे थ्रू आउट द केसिंग, इसीलिए हम लोग इसके डिजाइन को ग्रेजुअली डिक्रीजिंग करते हैं, ठीक है। नंबर टू है गाइड मैकेनिज्म, ठीक है, ये केसिंग के बाद ये पहला पार्ट ये जो है रनर के आगे ये है गाइड व्हील्स। ये देखिए ये हमने लिखा भी है गाइड व्हील्स, ये गाइड व्हील, ओके, गाइड व्हील नाम से पता चल रहा है ये कैसा व्हील है जो गाइड करेगा, ठीक है, या एक स्टेशनरी सर्कुलर व्हील है, या एक स्टेशनरी सर्कुलर व्हील है, मीन्स ये रोटेट नहीं करता है, पहली चीज रुका हुआ होता है और ये सर्कुलर शेप में होता है जो रनर को चारों तरफ से सराउंड किए हुए होता है, ये रनर को चारों तरफ से ढके हुए होता है। स्टेशनरी गाइड वेन्स गाइड मैकेनिज्म में फिक्स होते हैं,
इस गाइड मैकेनिज्म में गाइड वेन्स या गाइड बकेट्स या फिर गाइड ब्लेड्स है ना, ये फिक्स होते हैं। इन गाइड वेन्स का काम क्या होता है, ये पानी को इस तरह से गाइड करते हैं कि वाटर जो होता है बिना शॉक के वेन्स से टकराता है, शॉक नहीं लगता है वेन्स को। ओके, इस कारण वाटर की काइनेटिक एनर्जी बिना लॉस के वेन्स से स्ट्राइक करती है। तो पानी की काइनेटिक एनर्जी को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, नहीं तो क्या होगा, पानी अगर गाइड वेन्स से टकराए, डायरेक्ट रनर से टकराएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है ना। तो उस चीज को हम लोग मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक गाइड मैकेनिज्म लगा लेते हैं। फिर देखिए नंबर थ्री पार्ट है रनर। रनर क्या है, आपको पता है रनर रोटेटिंग पार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम रनर होता है। और इसमें क्या होते हैं, गाइड वेन्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, जो जिनके ऊपर पानी स्ट्राइक करता है तो टर्बाइन घूमती है, और उसके कारण ये टर्बाइन का शाफ्ट घूमता है, जो हमारा मेन पर्पस है। ओके, तो रनर क्या है, एक सर्कुलर व्हील हो है जिस पर रेडियली कर्वड वेन्स फिक्स होते हैं, कर्वड शेप में होते हैं वेन्स। ओके, और यहाँ पे कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील का वेन्स हम लोग यूज करते हैं। फिर नंबर फोर है ड्राफ्ट ट्यूब। देखो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, रिएक्शन टर्बाइन के एग्जिट में क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें धीरे धीरे, ये देखिए वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाते हैं ताकि ये पूरा कांस्टेंट रहे वेलोसिटी थ्रू आउट द व्हील, तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब वेलोसिटी पानी की मेंटेन रखते हैं तो प्रेशर को हमको खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है, एक्सपेंशन एक्सपेंड करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जब हम लोग वेलोसिटी मेंटेन करते हैं तो वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए प्रेशर को हमको प्रेशर वहां पे कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बस परिवर्तित हो सकती है, ना ही हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, यही यहाँ पे फंडा है। तो जब प्रेशर कम हो जाता है एग्जिट में, लास्ट में जब पानी यहाँ से टकरा के बाहर निकलता है तो एग्जिट में पानी का प्रेशर कम रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और आपको पता है कि कोई भी चीज जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी फ्लूड मूव करता है। तो जब प्रेशर कम हो जाता है तो पानी अपने आप टेल रेस से बाहर नहीं आता, टेल रेस मतलब वो रेस, वो पैसेज जहां से पानी बाहर निकलता है, आखिरी पैसेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं आखिरी में, सबसे आउटलेट में। तो ये एक ऐसा ट्यूब होता है, ऐसा पाइप होता है जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया का होता है। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, एरिया बढ़ने से क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है। अब जब वेलोसिटी कम होती है तो वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब है ऊर्जा कहां जा रही है, ऊर्जा प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो फिर जब प्रेशर जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में पानी अपने आप लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है। तो इस तरह पानी को अपने आप बाहर निकालने के लिए हम लोग जिस ट्यूब की मदद करते हैं, ऐसा ट्यूब जिसका एरिया धीरे धीरे करके बढ़ता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया होता है, ग्रेजुअली एरिया बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता है, वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर बढ़ने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, पानी अपने आप बाहर आ जाता है। ओके, तो ये था आपका फ्रांसिस टर्बाइन का, फ्रांसिस टर्बाइन का ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ओके, इसके बाद हमें कैपलन टर्बाइन पढ़ना है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये ड्राफ्ट ट्यूब हमने यहाँ पे शो किया, ये देखिए ड्राफ्ट ट्यूब। तो एरिया क्या हो रहा है, यहाँ तक देखो एरिया कॉन्स्टेंट है ना, यहाँ तक एरिया आपको कॉन्स्टेंट दिख रहा है, यहाँ से देखिए धीरे धीरे करके एरिया को हमने बढ़ाया है। ठीक है, इसी को बोला गया है ड्राफ्ट ट्यूब। तो कैपलन टर्बाइन है, कैपलन टर्बाइन के बाद हमें स्पेसिफिक स्पीड्स, न्यूमेरिकल्स और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसे पढ़ते हैं, पहले आ जाते हैं हम कैपलन टर्बाइन में। ओके, देखिए अगर जल का प्रवाह शाफ्ट के एक्सिस के रोटेशन के पैरेलल, ठीक है, जैसा शाफ्ट का एक्सिस का रोटेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में पैरेलल ही हो, समानांतर हो, तब टरबाइन को हम लोग कहते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। जब एक्सिस के पैरेलल जब फ्लो हो, एक्सिस रोटेशन के पैरेलल ही जब फ्लो हो, समानांतर जब फ्लो हो, तो हम उसे कहते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। कैपलन टरबाइन जो है वो एक एक्सियल फ्लो टरबाइन है। कैपलन टरबाइन में शाफ्ट जो है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, जैसे आपके वर्टिकल मीन्स जो ऊर्ध्वाधर है,
ठीक है, जैसे बिजली के खंभे, ठीक है, जो सीधे खड़े हुए हैं आसमान की से धरती की तरफ, ये वर्टिकल है। तो ऐसा ही शाफ्ट होता है, ठीक है। शाफ्ट के लोअर एंड को, मतलब निचले सिरे को, हम लोग हब या बॉस कहते हैं। ये देखिए, ये है कैपलन टर्बाइन डायग्राम, और यहाँ पर ये देखिए, ये शाफ्ट है। तो शाफ्ट का जो निचला सिरा, ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं हब, या फिर इसको कहते हैं बॉस, ठीक है। तो टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं, उन्हें हम इस हब में फिक्स करते हैं। ये जो ब्लेड, ये देख रहे हैं आप, ये रनर है, और इसी रनर में ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। इसी में फिक्स करते हैं हम ब्लेड्स को। देखा जाए तो एक्सियल फ्लो टरबाइन जो है वो दो तरह का होता है, एक तो प्रोपेलर टरबाइन होता है और एक होता है कैपलन टरबाइन। क्योंकि हमारे सिलेबस में कैपलन टरबाइन है, इसलिए हम लोग कैपलन टरबाइन पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं। जब वेंस हब में फिक्स हो जाते हैं तथा नॉट एडजस्टेबल हो जाते हैं, तो उसे हम प्रोपेलर टरबाइन कहते हैं। ये जो वेंस, रनर और वेंस हैं, ये अगर फिक्स हो जाए, मूव नहीं करें, ठीक है, मूवेबल नहीं हो, तो उसे हम प्रोपेलर टरबाइन कहते हैं। परंतु जब हम इस वेंस को हब में फिक्स करते हैं, और वेंस एडजस्टेबल होते हैं, मतलब इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, इनके पोजिशन को हिला सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं इनके पोजिशन को, तो उसे हम कहते हैं कैपलन टरबाइन। ओके, इस टरबाइन का को डिजाइन किया था ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, वहां के इंजीनियर है, ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर जो थे, उनका नाम था वी कैपलान, उन्हीं के नाम पे इस टरबाइन का नाम है, और उन्होंने ही इसे डिजाइन किया था। ओके, देखिए मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है कैपलन टरबाइन के। तो एक है स्क्रॉल केसिंग। स्क्रॉल केसिंग क्या है? ये है स्क्रॉल केसिंग, ठीक है, पहली चीज। दूसरा है गाइड वेंस विथ मैकेनिज्म। तो ये देखिए, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये है गाइड वेंस। ये देखिए, इधर भी एक गाइड वेंस है, दोनों तरफ स्क्रॉल केसिंग है, दोनों तरफ गाइड वेंस है। फिर देखिए ये ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या है? ये एरिया ड्राफ्ट ट्यूब, जहां पे एरिया धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ये एरिया क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब है। इसके बाद देखिए हब विथ वेंस और रनर ऑफ द टर्बाइन। तो ये जो हब है, ये आपका रनर है, यही घूमता है, और इसके ऊपर हम लोग क्या लगा दिए हैं? ये लगा दिए हैं वेंस, ठीक है। अब समझते हैं चीजों को। पेनिस्टॉक से वाटर जो है वो स्क्रॉल केसिंग में आता है, ठीक है। पेनिस्टॉक जो है, जो हमारा पानी आने का पैसेज है, वहां से पानी कहाँ आता है? स्क्रॉल केसिंग में आता है, इस केसिंग में आता है, स्क्रॉल केसिंग में, ठीक है। और स्क्रॉल केसिंग से पानी को हम लोग गाइड वेंस के द्वारा, गाइड वेंस का काम क्या है? पानी को गाइड करना, जैसा हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन में पढ़े थे, ठीक है। तो ये इस तरह से गाइड करता है कि पानी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इन ब्लेड्स के ऊपर गिरती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं पानी का फ्लो है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पानी नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और वेंस पे इंपैक्ट करती है। वेंस पे इंपैक्ट करती है तो ये वेंस घूमने लगते हैं। इनके घूमने के कारण हमारा हब घूमता है या बॉस घूमता है, और उसके कारण हमारा शाफ्ट घूमता है, ठीक है। और जब शाफ्ट घूमता है तो हमें वर्क पावर, या फिर शाफ्ट पावर, या फिर टर्बाइन पावर, तीनों ही चीजें इसी का नाम है, वर्क आउटपुट बोल दीजिए, ठीक है। टर्बाइन शाफ्ट के घूमने को ही आप वर्क आउटपुट कह दीजिए, या फिर आप इसे शाफ्ट पावर भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे टर्बाइन पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से हम इस वाटर को टेल रेस से बाहर कर देते हैं। ये देखिए ड्राफ्ट ट्यूब है, एरिया बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ने से क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से धीरे धीरे करके वाटर यहाँ से अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस तरह से काम करता है ये, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा फ्रांसिस टर्बाइन, और आज हमने पढ़ा कैपलन टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन जो है एक इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है, ठीक है, और कैपलन टर्बाइन जो है वो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। दोनों ही रिएक्शन टर्बाइन है, ठीक है। एक्सियल फ्लो दो तरह के होते हैं, प्रोपेलर भी होते हैं, कैपलन भी होते हैं। तो प्रोपेलर में क्या होता है, ये ब्लेड्स जो होते हैं वो पूरे तरह के फिक्स होते हैं, जबकि कैपलन में ये ब्लेड्स एडजस्टेबल होते हैं, इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। दोनों ही टर्बाइन में हमें ड्राफ्ट ट्यूब यूज करना पड़ता है, जितने भी रिएक्शन टर्बाइन है वहां पर ड्राफ्ट ट्यूब हमें यूज करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे एक चीज आपको बताना भूल गया था, ये देखिए, ये जो है ये इनलेट है ब्लेड्स का, और ये जो है आउटलेट है, पानी ऊपर से पहले यहाँ गिरता है और यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये चीजें मैं बताना भूल गया था, तो ये मैं आपको बता दूँ। तो आज हमने मेनली पढ़ा फ्रांसिस टर्बाइन और कैपलन टर्बाइन, और आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इन दो टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं आज ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये दोनों बड़े टॉपिक्स हैं, आप इन्हें समझिए। कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे फ़ोन करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा।
बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट्स फोन करते हैं, डाउट पूछते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट होता है मुझसे बिल्कुल फ़ोन करके पूछा कीजिए, है ना। ये आपका हक है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना। आप, मैं अगर एक बार फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो आप मेरे को व्हाट्सअप में एक मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे कुछ डाउट है, तो मैं आपको ज़रूर फ़ोन करके आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।